खास सुरक्षा अधिकारी ने डेयरी से लिए दूध के सैंपल मचा हड़कंप। मंगलवार की सुबह को टूडला नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी टीम के साथ एक डेयरी की दुकान पर निरीक्षण करने पहुंचे। इसी दौरान अधिकारियों ने दूध सहित अन्य दुग्ध उत्पादों के डेयरी से सैंपल लिए। प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी के निर्देश पर और आगामी त्योहारों को देखते हुए मिलावटियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा टूडला नगर की डेयरियों पर जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी BS कुशवाहा ने अपनी टीम के साथ सैंपल लिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश शासन के निर्देश पर समूचे जिले में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। हर खाद्य पदार्थ का सैंपल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जो लोग मिलावट नहीं करते उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और जो लोग मिलावट करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि दूध के सैंपल लेकर उन्हें जाँच के लिए लैब में भेजा जाएगा। यदि मिलावट पाई जाती है तो कार्यवाही की जाएगी। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता आयुष कुमार शर्मा अभी न्यूज चैनल के लिए। टूडला में स्टेशन रोड पर धर्मेंद्र सोलंकी की एक डेयरी है, कलेक्शन सेंटर है। तो यहाँ पर दूध कलेक्ट होता है, दो डोंगे में दूध रखा है 500 लीटर लगभग। उसमें बर्फ डली हुई है, हो सकता है उसमें हाइड्रोजन पराक्साइड भी डली हो, कल शाम का दूध है। और अंदर जाकर के स्टोर में देखा तो स्किन मिल्क पाउडर मिला, ड्राइड ग्लूकोज सीरप मिला और रिफाइंड भी मिला है। ये सब ऐसा प्रतीत होता है सिंथेटिक दूध बनाने का भी इनके यहाँ कारोबार होता है। तो उसी क्रम में इनके यहाँ से दूध का, दही का और तीन अमिश्रमों का नमूना लिया जा रहा है। हम डेयरी वालों से यही गुजारिश करेंगे कि यहाँ दूध का कारोबार होता है तो वहाँ पर कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु न रखें जो सिंथेटिक दूध बनाने के काम आती है। भले ही मौके पर डेयरी संचालक ये कहता है कि हम इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रखा हुआ होना ही एक साक्ष्य है, पर्याप्त है कि इसका दूध बनाने में प्रयुक्त होता है। उन्होंने लिए जा रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं BS कुशवाहा हूँ, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। हमारे साथ संतोष कुमार हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रघुनाथ सिंह, अरुण मिश्रा तीन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम है। हमारे अभिधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर ये अभियान चल रहा है, शासन के निर्देश पर। क्योंकि नवरात्र का त्यौहार आ रहा है, दशहरा का त्यौहार आ रहा है, आप जनमानस को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सके उसका प्रयास हमारा जारी है। वहाँ स्पेक्टिकल हाउस अ कंप्लीट चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड के चश्मे, जिसमें आपके लिए उपलब्ध हैं रेबर, ओकले, अरमानी, वोक जैसे ब्रांड्स। साथ ही साथ आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच भी उपलब्ध है। तो आज यहाँ है स्पेक्टिकल हाउस, बाबूलाल मार्केट नियर फायर स्टेशन, कृष्णा नगर, मथुरा।